हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हाँ सो हाउ आर यू ऑल? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडर्न फिजिक्स टुडे। आर यू रेडी? सो हियर वी गो। सो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा हमने, राइट? और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के बाद यहां से जब हम आगे बढ़े तो आता है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, राइट? तो बेटे, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कौन कौन क्या क्या डिस्कवरी करके गया था इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने जो अपना थ्योरी दिया था, तो आपको याद होगा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, राइट? सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन ने कहा था कि किस तरह से लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ओके, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज कार्पस्कल्स। तो इसको हमने देखा है पहले, है ना? कार्पस्कल्स इनको कहा जाता है, जो न्यूटन ने कहा था। और एक हाइजेंस वेव थ्योरी था, है ना? सो हाइजेंस वेव थ्योरी के अनुसार हमने कहा कि हाइजन सेड दैट लाइट इज अ वेव, राइट? तो लाइट इज अ वेव, इसके बारे में हाइजन ने कहा था। और उसके बाद न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, राइट? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। न्यूटन ने कहा कि लाइट इज अ पार्टिकल। हाइजेंस वेव थ्योरी बाद में जाके एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि मैक्सवेल का थ्योरी आया था, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना? सो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो था उसके अनुसार लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर में आपने सुना होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में रिसर्च चल रहा था। इतने में एक साइंटिस्ट आया बीच में, जिसका नाम था प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ओके? तो ये मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दिया, ये थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी हुआ। इसका थ्योरी था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट? तो इसके थ्योरी के अनुसार हमने पढ़ा है पहले कि एनर्जी कैरीड बाय द क्वांटा, जिसको क्वांटा कहता था वो, इसलिए क्वांटम नाम पड़ गया, इक्वल्स टू एच न्यू, है ना? इतना एनर्जी वो क्वांटा, जिसको हम फोटोन कहते हैं, तो ये कैरी करता है। ये मैक्स प्लैंक ने कहा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसको बोर ने भी यूज किया था, राइट? लेकिन जब तक आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था, जो हमने पढ़ा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब तक दिया नहीं, तब तक हम यही मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल प्लेट से जो बाहर आता है, तो लाइट की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा ना हमने, है ना? तो उससे पहले तक हम ये मान रहे थे कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना हम मान रहे थे, है
लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जान रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब दिया तो इस इफेक्ट में क्या हो रहा है, एक मेटल प्लेट है, उस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज रही है। तो इसमें हमने देखा कि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऐसा मान लिया जाए। तो यहां पर नाम दिया गया, इस पार्टिकल को नाम दिया गया फोटॉन, है ना। तो इस पार्टिकल को हमने नाम क्या दे दिया बेटे, फोटॉन, ये नाम दे दिया, राइट। तो फोटॉन शोज पार्टिकल नेचर, क्या दिखाता है ये, पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया कि इस तरह का पार्टिकल नेचर लाइट में है, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, ठीक है। हाँ, इतना तो पता था कि इसके पास इतना एनर्जी है, इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। लेकिन पार्टिकल नेचर को पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स में आइंस्टाइन ने, न्यूक्लियर फिजिक्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाके आइंस्टाइन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दिया है, मास एनर्जी रिलेशन जिसको कहते हैं हम, ये मास एनर्जी रिलेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले एक दो लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब मास एनर्जी रिलेशन को भी पढ़ाऊंगा। तो क्या मास एनर्जी रिलेशन था, उसने कहा कि भाई एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, आई एम सॉरी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विद द फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट। तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को बाद में देखेंगे, जहां पर एम है मास, ई इज द एनर्जी, C is the speed of light. E क्या है बेटे, energy. M क्या है, mass है. और जो C है, it is the speed of light. तो यहां तक पार्टिकल नेचर के बारे में ज्यादा खोज नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद एक रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जी डी ब्रोगली, राइट। तो डी ब्रोगली साइंटिस्ट आया और उसने क्या कहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो डी ब्रोगली, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं, आइए ध्यान दीजिए। सो डी ब्रोगली ने कहा कि योर लाइट, दिस लाइट जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर कर रहे हो, सो इट इज हैविंग मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम है। लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर दिखाता है, ओके, ये पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो इसका मतलब इसके पास मोमेंटम होना चाहिए, और अगर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अगर हमने यूज किया, अगर ये वेवलेंथ लैम्डा यूज किया, तो उसने कहा कि द मोमेंटम ऑफ द लाइट पार्टिकल फोटॉन इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्डा। क्या कहा उन्होंने कि मोमेंटम ऑफ द लाइट पार्टिकल कैन बी गिवन बाय एच अपॉन लैम्डा, ये उसका हाइपोथेसिस है। ये उसने डिराइव कैसे किया इसके बारे में जानते हैं, आइए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले इन्होंने यूज किया था प्लैंक्स थ्योरी एंड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, दोनों को यूज किया इसने, ठीक है। तो पहले प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार हमें पता है एनर्जी
जो होता है वो होता है एच न्यू, राइट? ये पढ़ा है हमने। और आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, तो इसके अनुसार हमने पढ़ा है कि भाई इक्वल्स टू होता है एम सी स्क्वायर, राइट? तो डी ब्रॉगली ने इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंटली ये बताया, ये करके बताया कि भाई एच न्यू मस्ट बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब ये एच इनटू ये जो न्यू होता है ये होता है सी अपॉन लैम्बडा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये एच अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू एम इंटू सी। सो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और इसीलिए इसने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया भाई एच बाय लैम्बडा मस्ट बी इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ओके, सो ये जो आया, सो दिस पी इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इसको कहा जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इसको मोमेंटम ऑफ फोटॉन इस नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि लाइट मस्ट पजेस पार्टिकल नेचर, राइट? तो ये पार्टिकल नेचर इस तरह से प्रूव किया गया। इसको फास्ट लिखिए सब लोग। सो इस तरह से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन का थ्योरी यूज करके डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरह से मोमेंटम आप ढूंढ सकते हो, एच अपॉन लैम्बडा से आप मोमेंटम ऑफ द फोटॉन को लिख सकते हो, राइट? लेकिन अब इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हमने इस मोमेंटम को लिखा तो इससे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है मैटर वेव्स। इसके साथ उन्होंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है मैटर वेव्स। सो हमने अभी देखा बेटे कि किस तरह से मोमेंटम कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला एच अपॉन लैम्बडा, ठीक है? तो इसका मतलब दिस प्रूव्स दैट द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्बडा हैज मोमेंटम, ठीक है? तो इससे क्या प्रूव होता है? तो इससे प्रूव होता है दिस प्रूव्स द पार्टिकल नेचर, ऑफ लाइट। ये पहला हो गया, लेकिन ये यहां तक नहीं रुके, इन्होंने आगे भी बताया भाई इसको थोड़ा सा उल्टा बना दो। ये P इक्वल्स टू आपका एच बाय लैम्बडा जो है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब ये क्या नया चीज है? ये एक खतरनाक चीज है। इन्होंने कहा कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है विथ मोमेंटम पी, इतने मोमेंटम से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटे, तो एच अपॉन पी इक्वल्स टू लैम्बडा
इज द वेव विच इज एमिटेड फ्रॉम इट. सो इट रिप्रेजेंट्स द वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज मैटर वेव. इसको क्या कहते हैं हम, इसको मैटर वेव कहा जाता है. राइट. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सो दैट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज हैविंग मोमेंटम पी अगर है उसका, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेव को जिसका वेवलेंथ होगा लैम्डा, और वो लैम्डा दिया जाएगा एच अपॉन पी विच इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव. तो ये मैटर वेव का कॉन्सेप्ट क्या है? मैटर वेव का मतलब होता है कि ये ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है. इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये ध्यान में रखो. दिस मैटर वेव इज स्पेशल टाइप ऑफ वेव. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव वेव डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग एक वेव है, और इट कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट. ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज बोल दिया आपने. इट कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट. So yes, matter waves can travel faster than light also, and therefore ye jo de Broglie's hypothesis tha, so it got a very very huge impact. Right, to isiliye matter waves hum jo kehte hain, to isme hum likh sakte hain ki lambda is equals to h upon p which is equals to h upon mass into velocity. तो इसका जो wavelength रहेगा वो किसके ऊपर depend रहेगा? Velocity of the object के ऊपर इसका wavelength depend रहेगा. Okay? तो इस तरह से ये जो matter waves हैं, these matter waves they are considered by de Broglie. तो de Broglie ने इन matter waves को consider कर लिया. तो ये फॉर्मूला याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको फास्ट लिखिए. डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में मैटर वेव्स, सो इस तरह यहां पर अगर देखा जाए बेटे, तो आप ये बात बोल सकते हो जरूर कि सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि लाइट इज अ वेव. ये पहले प्रूव कर चुके थे, लेकिन यहां पर डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट ऑल्सो हैज पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो लाइट जो एक वेव है उसको पार्टिकल नेचर है, ये हमने प्रूव कर दिया. और दूसरा चीज, कोई भी मैटर, एनी मैटर, जैसे कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम है, उसको पार्टिकल नेचर है ये हमें पता है, इट इज अ पार्टिकल. लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि भाई जब ये मूव करता है सो इट इज ऑल्सो हैविंग अ वेव नेचर, है ना, जैसे मैटर वेव. राइट, तो इसका मतलब चाहे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई भी मैटर हो, दे हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर साइमल्टेनियसली, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज ड्यूअल
नेचर, इसलिए इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर, राइट। इसको ड्यूअल नेचर कहा जाता है। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अराउंड अस, सो एनीथिंग इन द वर्ल्ड इट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। सो ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर अराउंड अस, मैटर अराउंड अस पजेसेस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। इज इट क्लियर? तो इसी को हम ड्यूअल नेचर कहते हैं। तो ये यहां तक सबके समझ में आया, क्लियर है सबको अभी ये? ओके, कि किस तरह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि लाइट इज अ वेव एंड लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और उसी तरह से मैटर जो है, जो पार्टिकल है, उसको मैटर वेव्स में प्रूव हुआ कि वो मैटर वेव्स को दिखाता है, राइट। सो दिस इज द डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। लेकिन इसमें से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आया जो काफी वर्षों से अनसॉल्व पड़ा हुआ था, और वो अनसॉल्व प्रॉब्लम क्या था इसको भी देखेंगे। तो जिसको कहा जाता है बोर सेकेंड जो पोस्टुलेट था, तो बोर सेकेंड पोस्टुलेट में हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में बस उतने ही ऑर्बिट में, वो ही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है ना। आखिर ये ऐसा क्यों, आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इसका जो रीजन है ये डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस में पाया गया। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग रिजॉइन करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। रिजॉइन प्लीज।